डेढ़ महीने में द ग्रेट इंडियन कपिल शो ने बांधा बोरिया बिस्तर। शो के ऑफ एयर होने की कीकू शारदा ने बताई वजह। कपिल शर्मा का नाम इंडियन के पॉपुलर कॉमेडियंस में से गिना जाता है। उनके नाम से आया हर शो अब तक लोकप्रिय रहा है। हालिया रिलीज द ग्रेट इंडियन कपिल शो को लोगों ने खूब प्यार दिया। ओटीटी पर धूम मचाने वाले ये शो का लोगों को काफी पसंद आ रहा था, मगर अब व्यूवर्स के लिए अब एक बुरी खबर सामने आई है। कॉमेडी की दुनिया में राज करने वाले कपिल शर्मा का शो अब तक कई नामों से दर्शकों को एंटरटेनमेंट कर चुका है। 30 मार्च 2024 को नेटफ्लिक्स पर द ग्रेट इंडियन कपिल शो ने दस्तक दी थी। पहले ही एपिसोड से इस शो ने लोगों का दिल जीतना शुरू कर दिया था, लेकिन अब फैंस के लिए शो से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर वह ना खुश हो सकता है। नेटफ्लिक्स पर द ग्रेट इंडियन कपिल शो का आगाज काफी शानदार हुआ है। नए सीजन का सेट काफी भव्य था, जिसे देख अंदाजा लगाया जा सकता था कि इस पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए होंगे। शो के ओटीटी पर शुरू होने के साथ ही सुनील ग्रोवर की वापसी भी थी एक हाईलाइटिंग पॉइंट रही है। दोनों कॉमेडियन को साथ देख लोगों में एक्साइटमेंट भी काफी देखने को मिली थी। शो के पहले एपिसोड का उद्घाटन नीतू कपूर और रणवीर कपूर ने किया था। हालिया एपिसोड में सनी देओल और बॉबी देओल की मस्ती देखने को मिलेगी, मगर इस एपिसोड के बाद शायद ही व्यूवर्स को द ग्रेट इंडियन कपिल शो देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कीकू शारदा ने कंफर्म किया है कि यह शो ऑफ एयर हो रहा है। मीडिया की रिपोर्ट में कीकू शारदा ने कंफर्म किया कि द ग्रेट इंडियन कपिल शो ऑफ एयर हो रहा है। उन्होंने कहा कि 13 एपिसोड शूट हो चुके हैं, अब ये सीजन खत्म होगा। कीकू ने कहा, हमने पहला सीजन खत्म कर लिया है, यह हमेशा से ऐसे ही होना था। हम दूसरे की सीजन की प्लानिंग पहले ही कर चुके हैं, दूसरे सीजन के शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसके पहले अर्चना पूरन सिंह ने फोटो पोस्ट कर शो के ऑफ एयर होने की जानकारी दी थी।